कि प्रीमियम वाले से होता क्या है, साला घंटा कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी में, वो उल्टा पिकअप नहीं पकड़ रही यार। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नॉन प्रीमियम पेट्रोल ज्यादा सही है। गुड मॉर्निंग गाइस और वेलकम टू अनदर मोटो व्लॉग। आज क्या है, आज संडे है और हम निकले हैं इस समय 7:30 बजे। और भाई साहब जो ठंडी लग रही है ना यार यहाँ पर लखनऊ में, बहुत तगड़ी वाली इस समय ठंडी लग रही है। मतलब मेरा लिटरली मेरा मन नहीं कर रहा था निकलने का, लेकिन फिर अंकित ने कहा कि चलो भाई, हमने कहा चलो चलते हैं। तब मैंने ना ब्रश किया है ना कुछ किया है, मैं सीधे सो के उठ के सीधे मैं बाइक पे आ गया हूँ। मतलब ऐसा तुम लोग कह सकते हो कि थियोरेटिकली मेरी एक आँख अभी भी बंद है, मतलब अभी भी हम थोड़ी बहुत नींद में हैं। अरे भाई देख सकते हो भाई, हमने ग्लव्स हमने पहना हुआ है ना ठंडक से बचने के लिए, लेकिन ठंडक से हम कितना बच रहे हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। आइडिया क्या नहीं, आइडिया तो बहुत लग रहा है भाई, लेकिन आइडिया हम बता नहीं सकते हैं क्योंकि जो लग रही है ठंडी की वजह से ना भाई, बहुत ठंड बहुत लग रही है यार, है ना। अरे भाई साहब इंजन तो, गाड़ी का इंजन तो ऐसा लग रहा है गाड़ी का इंजन ठंडा पड़ गया है भाई, सही में ऐसा चल ही नहीं रहा है, गाड़ी पिकअप ही नहीं दे रही है पता नहीं क्यों। इस बार बाय द वे इसमें प्रीमियम वाला पेट्रोल पड़ा है ना, मतलब मैं पेट्रोल ख़त्म हो गया था तो मैं कल गया था पेट्रोल भराने, तो उसने प्रीमियम वाला डाल दिया। मैंने कहा चलो ठीक है तुमने अब डाल दिया, हम क्या करें, महंगा तो है लेकिन कुछ देखें भाई, पहली बार ज़रा ट्राई करके देखें कि प्रीमियम वाले से होता क्या है। साला घंटा कुछ भी नहीं हुआ गाड़ी में, वो उल्टा पिकअप नहीं पकड़ रही यार। तो ये अनफिल्टर्ड वाला ज़्यादा सही है क्या, जो फिल्टर नहीं है प्रीमियम जो नहीं है नॉन प्रीमियम। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नॉन प्रीमियम पेट्रोल ज़्यादा सही है। ऐसा मैं लिटरली बता रहा हूँ, गाड़ी पिकअप ही नहीं पकड़ रही है। हो सकता है ये भी होगा कि पीछे एक और बंदा बैठा है ना। अरे ठंडी लग रही है भाई साहब, बहुत तेज भयंकर वाली ठंडी लग रही है। अरे जाओ यार हॉर्न बजा रहे हो, कितना भी जिंदगी में तरक्की कर लो, हॉर्न वही का वही रहेगा तुम्हारा। इसी का ठोका दिया क्या अंकल ने, पुरानी वाली मर्सिडीज वो है ना, मर्सिडीज कह रहा हूँ, मारुति की स्टीम। हमको लेफ्ट जाना है, हमको लेफ्ट जाना है, ठंडक का मजा उठाते हुए। ये लोहिया पार्क इधर देखो, पता नहीं अगर यहाँ पर का फिलहाल बाय द वे मैं जा रहा हूँ ऐसा भी जनेश्वर मिश्रा पार्क है ना, क्योंकि वहाँ पर सवेरे फ्री रहता है जाना। मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पर सवेरे फ्री रहता है या नहीं, नहीं तो हम यहाँ पर भी घुस जाते, हमें आइडिया नहीं है। लेकिन जनेश्वर मिश्रा पार्क का बताया और बेसिकली अंकित को घुमाने लेके जा रहे हैं। कसम से इतनी खराब रोड है ये वाली, उरी बापरी उरी बापरी, ठंडा, बहुत तेज ठंडा लग रहा है सर। भाई यहाँ वो तो और ज़्यादा ठंडा लगता है, बगल में वो है ना जंगल है ना, मतलब जंगल क्या गार्डन है ना, हरियाली की वजह से भाई जो ठंडी लगती है ना भाई, फाड़ लगती है ठंडी, बहुत ठंडी है। ये टोनी स्टार्क का घर है क्या ऐसा, गोमती नगर में यार, मतलब आई से डबल ट्रिपल इनकम वाले घर यहाँ पर रहते हैं। ये देखो ये पता नहीं क्या स्कोप बनाए हैं, है ना, गोला, पता नहीं आर्किटेक्ट कौन है भाई। मतलब यहाँ के लोग कहने को तो भाई सरकारी वो हैं, मतलब काम वाम करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन जॉब करके कोई इतना बड़ा घर बनाता है क्या भाई, हमने किसी लेजिटिमेट आदमी को नहीं देखा जॉब करके इतना बड़ा घर बना ले। लेकिन चलो भाई ठीक है, तो कमाई कहाँ से आती है साहब, कुछ पता नहीं है यहाँ के लोगों का, लेकिन आ जाती है मैं कुछ एलिज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपना विचार अपना बस
यहाँ का सिग्नल तोड़ नहीं सकते हैं क्या? तोड़ दो। मैं बस अपना बस विचार अपना व्यक्त कर रहा हूँ। हमें जाना है यहाँ से, बाय द वे सीधा। खड़ी रहो अंकल तुम, हम निकल गए। ठीक है चलो फोटोशूट। अच्छा नहीं, वो सिग्नल पे खड़ा, मुझे लगा फोटोशूट करा रहा है भाई साहब। यहाँ के एकदम घर एकदम देखने वाले हो साले, बड़े बड़े घर। पता नहीं हवेली ने हवेला बनाया साहब, ये तो बन रहा है। देख रहे हो ये जॉब जॉब की कमाई लगती है, ये रिश्वत की कमाई लगती है, रिश्वत की। ये वाले घर तो भाई अलग ही है, दारू भी क्या रह गया। क्या घर है साहब, अंकल जी तमीज से हॉर्न नहीं पेले है ना, इन्होंने सिर्फ पास इंडिकेटर दिया। हम भी हट गए शरीफी शराफत से। यार ये क्या चीज है यार, मुझे समझ में नहीं आता यार, कभी भी नहीं समझ पाया ये क्या है। अरे अरे इतना तेज आंख में बैठ जाओगे क्या सूरज अंकल? और ये आ गए हम लोग जनेश्वर मिश्रा पार्क, लार्जेस्ट पार्क ऑफ एशिया, मतलब एशियाज लार्जेस्ट पार्क। अगर आप लोगों से किसी को नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, जनेश्वर मिश्रा पार्क एशिया का सबसे लार्जेस्ट पार्क है भाई साहब, मतलब सबसे बड़ा पार्क। पता नहीं यार फोन चलाने की यहाँ के लोगों की जो आदत है ना भाई, मतलब मन करता है फोन पटक दे। भाई टिकट लगना चालू हो गया है क्या? जाओ अंकल। लग तो नहीं रहा कि टिकट लगना चालू हुआ है सर। चलो हम निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस, सो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से, जनेश्वर से हो गया हमारा, घूमना था जितना घूमना था घूम लिया जनेश्वर, अब यहाँ से निकल रहे हैं। मैं अपने पैर में खुजली कर रहा था क्योंकि खुजली मच रही थी। यहाँ पर भी टिकट बाजी चलती है।
टिकट अभी वो क्या कहते हैं, इस समय नौ इस समय बज रहा है ना, तो मतलब इस समय जो है टिकट इस समय लगता है ना। अब जितना भी टिकट लगे मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इस समय टिकट लगता है तो हम बाहर में आ गए है ना। हम तो अंदर थे, मतलब कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं दिन भर रहो यहाँ पर सवेरे आके, लेकिन क्या मतलब यहाँ पर फालतू में सवेरे से बैठे रहे हैं। सो हम जा रहे हैं अपने घर, निकल रहे हैं यहाँ से। देखो बच्चे बिना धुन के चल रहे हैं, उल्टा सीधा जैसे मन कर रहा है वैसे। चलो यार व्लॉग बंद करता हूँ, मतलब मोटा व्लॉग बंद करता हूँ, क्या करेंगे, वही वही चीज़ दिखाएंगे तुम लोगों को दोबारा, तो मतलब नहीं बनता है ना। चलो।